नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सृष्टि कटियार, कंसल्टेंट फिजिशियन एट द वी क्लिनिक कानपुर। आइए आज आपके साथ में शेयर करते हैं वी क्लिनिक के अर्थराइटिस डिपार्टमेंट द्वारा ठीक किए गए हुए पेशेंट्स का फीडबैक कॉल। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार, दिनेश जी बात कर रहे हैं। जी, मैं वी क्लिनिक से डॉक्टर सृष्टि कटियार बात कर रही हूँ। आपका हमारे यहाँ से सियाटिका का ट्रीटमेंट चल रहा था, अभी कैसी कंडीशन है? अभी तो मैम पहले से ठीक है। अभी अच्छा ओके, आराम है अभी थोड़ा सा, मगर दर्द वहाँ पर बना रहता है। अच्छा ओके। और आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट कब से हुई थी? ये तो मैम चार साल हो गया था। अच्छा, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे आपको? इसमें मैं पैर में थोड़ा झुनझुनाहट टाइप का आता था पहले। जी, शुरू में दर्द स्टार्ट हुआ जी, उसके बाद धीरे थोड़ा सा अकड़न जैसे हुआ, झुनझुन आता था ऐसे हल्का, एकदम ज्यादा भी नहीं, चलने से ठीक लगता था। एक जगह बैठे रहने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, झुनझुनी आगे जाना ऐसे टाइप का, और टॉयलेट बैठने से पीछे जो नस है ना घुटने का, वो उसी में दर्द होता था। अभी तो दर्द अभी नहीं हो रहा है। अच्छा ओके, अभी दर्द नहीं हो रहा, झंझनाहट नहीं हो रही आपको? जी ओके। अभी आपको थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना, इधर का पूरा पार्ट, थोड़ा हाथ भी और पैर भी थोड़ा सा वो लगता है, भारीपन थोड़ा सा। अच्छा ओके, ठीक है, कोई नहीं। अभी आपकी मेडिसिन्स कंटिन्यू है? जी ठीक है, कोई नहीं। अभी उसमें आपकी ये सब चीजों का मेडिसिन इंक्लूड हो जाएगा, तो फिर उसमें आपको कंप्लीट रिलीफ हो जाएगा, है ना? जी, थोड़ा सा मैनेज करिएगा कि बहुत ज्यादा हैवी लोड ना उठाएं आप, है ना? और जर्क नहीं लगना चाहिए बैक पे आपके, ठीक है? कुछ टाइम ही मैनेज करिए ताकि फिर आपको रिलीफ जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके, है ना? पहले से बहुत बेटर मैम अभी। चलिए अच्छी बात है, है ना? और क्या, पुराना भी था ना, इसलिए थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल वही चीज है, है ना? अगर कोई भी तकलीफ होती है तो अपने हेल्थ कोच को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करी जाएगी, ठीक है? जी ओके ठीक है जी, नमस्कार। अगर आपको भी इसी तरीके की किसी समस्या से, जैसे सियाटिका, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, रिमोटाइड अर्थराइटिस, गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या से सफर कर रहे हैं, तो आप हमारे वी क्लिनिक के द्वारा दिए गए हुए नंबर पर संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा सकते हैं। धन्यवाद।